टीएस का 15 HP का स्टार्टर का कनेक्शन लगाते हैं। और देखिए इसमें ना सिंगल फेस प्रिवेंटर लगा हुआ है, इससे अगर एक फेस ना आए तो मोटर सेफ्टी हो जाए। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसमें 5 तार निकली हुई है, देख सकते हैं 5 तार है। ये 5 तार देखिए कहाँ कहाँ लगे जी, इसको ये ऊपर से दूसरा पॉइंट में लगेगी तार, पहली तार बगल में लगेगी, तीसरी तार एक तार हमारी, चौथी तार यहाँ लगेगी, चौथी तार यहाँ लगेगी। आपको मैं दोबारा से बताता हूँ, प्रिवेंटर की जो 5 तारे हैं, 5 तार में से 3 तार तो हमारे 1, 2 और 3, पहले वाला पॉइंट छोड़ना है, उसके बाद पहली दूसरी और तीसरी 3 तार यहाँ लग जाएगी, और ऊपर 2 पॉइंट रखे हैं, 2 तार उसके अंदर लगेगी, तो 5 तार यहाँ लगेगी। और आप देख सकते हैं ऑटो कट की तार हमारी, ऑटो कट की तार देखिए, एक तो हमारी यहाँ लग रही है और एक यहाँ लग रही है, ऑटो कट की तार, एक तार यहाँ लगेगी। एक तार यहाँ लगेगी ऑटो कट की, और एक तार यहाँ लगेगी ऑटो कट की। नीचे ये हमारी देख सकते हैं मेन की 3 तार यहाँ लगेगी, 1, 2, 3, एंड मोटर की ठीक इसी के साथ में 1, 2, 3, ये मोटर की तार है, ये मेन सप्लाई की तार है, और ये ऑटो कट की तार है, ये और ये। और आपको मैंने बताया कि सिंगल फेज प्रिवेंटर के लिए पहले 3 तार, फिर उसके 2 पॉइंट, 2 तार उसमें लगेगी।
चलिए एक बार मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, सिंगल फेज की जो पेमेंट है कि 5 तारे इसके लगी हुई है, इसकी 5 तार में से 1 तार यहाँ लगेगी, 1 तार यहाँ लगेगी, 2, तीसरी तार यहाँ लगेगी, 3, चौथी तार यहाँ लगेगी, 4, पांचवी तार लगेगी यहाँ, 5 तारे यहाँ लगेगी सिंगल फेज की, ऑटो कट की तार एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, मोटर की 3 तार यहाँ लगेगी, 1, 2, 3, मेन सप्लाई की तार 1, 2, 3 लगेगी।